गाइस, दिस इज अंशुल एंड आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में। गाइस, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई क्या होता है, एआई कैसे डे बाय डे अपने फ्यूचर में इंपैक्ट लाने वाला है, हमारे फ्यूचर में इंपैक्ट लाने वाला है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एआई हमारे फ्यूचर के लिए एक वरदान साबित हो सकता है या ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस हो सकता है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक और एआई के बारे में, क्या वो एआई के फ्यूचर में उनका रोल रहेगा, क्या कैसे वो इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब बात करते हैं कि एआई क्या होता है। गाइस, एआई को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है कि ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रख सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से मतलब है कि इनके अंदर एक ऐसी समझ डेवलप हो जाए जिनकी वजह से ये खुद ब खुद लोगों को आंसर दे सके, खुद ब खुद सोच सकते हैं, लोगों का आंसर जवाब दे सकते हैं। गाइज, आपने जो है आयरन मैन पिक्चर लगभग सबने देखी होगी, उसमें टोनी स्टार्क जो है जार्विस नाम का एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करता है, वो बेसिकली एआई प्रोग्राम रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम रहता है। उसके अंदर टोनी स्टार्क जार्विस को जो भी काम देता है वो अपनी समझ से पूरा कर देता है। गाइज, इसी तरह आपने देखा होगा रियल लाइफ में सोफिया नाम का रोबोट है, बहुत ही फेमस रोबोट है, हांगकांग में बनाया गया, वो इंडिया भी आ चुकी है। गाइज, उसमें जो है उसके अंदर, गाइज, सोफिया के अंदर 72 फेसेस ऑफ एक्सप्रेशंस है, मतलब कि वो 72 तरीके से ह्यूमन की तरह के एक्सप्रेशंस है। वो गुस्सा कर सकती है, अच्छा दिख सकती है, हंस सकती है, लोगों के एक्सप्रेशन में गुस्सा भी हो सकती है। गाइज, इस तरह के वो सारे अलग अलग काम कर सकती है, वो खुद ब खुद अपनी समझ से जवाब दे सकती है लोगों को। गाइज, वो कई जगहों पर जाके स्पीच भी देती है। गाइज, सोफिया को कई सारे जगहों पर ले भी जाया जा चुका है और उसको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। Beginning of Hanson Robotics, my brother and sister robots have been platforms for scientific research. Jules helps with research on human robot interaction. Guys, this is the fact that human history में AI से बड़ी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं डेवलप हो पाई है। गाइज, आप चाहे देख लो आज प्रेजेंट में किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को, वो हर कंपनी जो है AI पे काम जरूर कर रही है। गाइज, आप चाहे फिर गूगल को ले लो या Amazon को ले लो, Apple को ले लो या विंडोज को ले लो, Microsoft को। गाइज, आप Amazon को देख लो तो वो भी काम कर रहा है, Apple को देख लो, Apple का Siri जो है AI बहुत अच्छा है उसका। आप चाहे Facebook को देख लो, Google को देख लो, Google Assistant, Google Map भी इसी बेसिस पे काम करता है। गाइज, आप चाहे देख लो टेस्ला को, टेस्ला मोटर्स के जो सबसे डेवलप्ड कारें हैं, गाइज, वो सेल्फ ड्राइविंग कार हैं जो कि खुद चलती हैं। गाइज, आप आज की डेट में देख लोगे तो एआई इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है और आने वाले 2050 तक, गाइज, कहते हैं कि अमेरिका में जॉब की कमी होने लगी, 50% तक जॉब जो है एआई ले लेंगे उनकी जगह पे, जो रोबोट्स होते हैं उनकी जगह पे वो ले लेंगे। गाइज, अगर एआई के पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में देखा जाए तो एआई जो है ज़्यादा एरर फ्री है, उससे गलतियां कम होंगी। गाइज, अगर एआई के और इम्पैक्ट के बारे में देखा जाए जो कि पॉजिटिव हो, तो उसका देखा जा सकता है ये ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा इसको इफ़िशियंसी है इसके अंदर काम करने की, उतनी जितनी ह्यूमंस में नहीं होती। अगर इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में देखा जाए तो गाइज, इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स तो कई सारे बताए जाते हैं, जैसे कि हम एक ये दे सकते हैं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने कहा था कि एआई आगे चल के ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती। गाइज, अगर देखा जाए तो 2050 तक जितनी भी अमेरिका में 50% जो नौकरी होंगी वो सिर्फ एआई की वजह से जाएंगी, क्योंकि वो इतनी समझदार इंटेलिजेंट हो जाएंगी और इतनी ज़्यादा इफिशियंसी से काम करेंगे जितना ह्यूमंस नहीं कर सकते, तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी अमेरिका में 50। तो ये सोचिए कि इंडिया में तो वैसे भी बेरोजगारी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इंडिया में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी पड़ेगी 20। सो अब बात करते हैं इलोन मस्क के बारे में। गाइस, इलोन मस्क को तो सभी जानते होंगे कि बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दुनिया में सबसे बड़ी, स्पेसएक्स, उसके प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं कि वो रूजेबल रॉकेट्स बनाती है। गाइस, इसीलिए एक समय पे अगर ये एआई हमसे भी ज़्यादा सुपीरियर हो गई, हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई और ह्यूमैनिटी को भी जो है इसने पीछे छोड़ दिया और ह्यूमन से भी ज़्यादा सुपीरियर हो गई, उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई, तो हम क्या करेंगे। गाइस, इसी को ध्यान में रखते हुए इलोन मस्क ने अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम था न्यूरालिंक। गाइस, बेसिकली उनकी कंपनी नहीं है, उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है।
बेसिकली इनका एक गोल है कि एक ऐसी चिप बनाई जाए जो कि हमारे स्कल से अटैच्ड हो और जो हमारा ब्रेन है वो डायरेक्टली कंप्यूटर को सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। गाइज ये अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन होगा टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल नए दौर में छोड़ देगा हमको। गाइज वैसे अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हमारे जो आज के डेट में मोबाइल फोन्स हैं उनका तो बिल्कुल यूज़ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं हो जाती है। इसको सक्सेसफुल होने में ही कम से कम 20 से 30 साल लग जाएंगे गाइस, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं। तो गाइस अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है, मीनिंगफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दीजिए, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।